हिंदुस्तान सबका है, सर्वधर्म संभावना हम सब रखते हैं, लेकिन इस देश में मुस्लिम तबके को भड़काने का सिलसिला बहुत लंबा है, इसका बहुत लंबा इतिहास है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, किताबें उठा के देख लीजिए, जहां जिसको कोशिश हुई उसने यही कोशिश की कि राजनीति चमकाने के लिए हो, या फिर कट्टरपंथी मौलाना जो अपनी तकरीरों में लोगों को भड़काते हैं और वजह क्या देते हैं पता भी है, लोगों को कहते हैं कि आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। सिर्फ कह देने भर से ऐसा नहीं है कि इस्लाम खतरे में पड़ जाए, लेकिन ये कोशिश बहुत लंबे वक्त तक की गई। अगर राम जन्मभूमि विवाद की ही बात कर लूं तो ये विवाद तो कब का सुलझ गया होता अगर अंग्रेजों ने फूट डालने का काम ना किया होता, और अब यही काम राजनीति करने वाले और उनके साथ मिलकर कट्टरपंथी मौलाना भी कर रहे हैं। मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। मस्जिद ही रहता है और मस्जिद रहेगा। सेकुलरिज्म उसको वायलेट किया है। ये चेहरे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते, लेकिन इस बात से इनकार नहीं है कि ये एक विचारधारा के पैरोकार हैं, कट्टरवादी विचारधारा के। आजादी के बाद जब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी मिट्टी को चुना तो ऐसे शातिर चेहरों की निगाहें उन मुसलमानों के वोट बैंक पर जाकर टिकी थी। इतिहास गवाह है कि ऐसे चेहरों और सेकुलरिज्म का दम भरने वाली पार्टियों ने कभी मुसलमानों का भला नहीं किया सिवाय उन्हें इस्तेमाल करने के। असदुद्दीन ओवैसी जो चुनाव जीत के आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या उनके ओल्ड सिटी एरिया में हैदराबाद में हिंदू नहीं रहते? वो कहते नहीं, वो तो मस्जिद ही रहेगी, मैं उसे मस्जिद ही मानूंगा। बस उनको एक ऐसी भाषा बोलनी है जिससे उनका उनका जो वोटर है वो नाराज ना हो, उन्हें उसे लड़ाई के मोड में तैयार रखना है। वो नहीं चाहते कि हिंदू और मुस्लिम में एक भाईचारा बैठे। राम मंदिर आंदोलन को बड़े शातिर तरीके से एजेंडा इतिहासकारों और कलमकारों ने हिंदू मुस्लिमों के बीच की लड़ाई बता दिया, जबकि इतिहास कुछ और बात कहता है। इतिहास बताता है कि राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी। साक्ष्य के आधार पर यह बात अब साबित हो चुकी है। पंडित नेहरू ने बिना समझे हिंदुओं की बातों को दरकिनार किया। हिंदू लगातार साक्ष्यों को देखने की बात करते रहे थे, लेकिन हिंदुओं की बात को तत्कालीन सरकार सांप्रदायिक कहती रही। दरअसल राम जन्मभूमि विवाद में मुस्लिमों को भड़काने का काम वामपंथी इतिहासकार और कट्टरवादी मौलाना करते रहे। वो बखूबी जानते थे कि जब तक हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच खाई बनी रहेगी, सियासत चलती रहेगी। राम मंदिर को लेकर हिंदुओं को न्याय मिले, इसमें न तो नेहरू को कोई दिलचस्पी थी, न कांग्रेस की कोई इच्छा, और इसकी खास वजह थी। नेहरू अपनी सेकुलर छवि को लेकर बेहद कॉन्शियस थे, इतने कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर भी तीखे सवाल खड़े किए थे। इतना ही नहीं, नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ जाने पर भी तीखा विरोध किया था। नेहरू इससे इतने ज्यादा खफा थे कि बाबू राजेंद्र प्रसाद का सोमनाथ में दिया भाषण समाचार पत्रों में तो प्रकाशित हुआ, लेकिन सरकारी तंत्र के अंगों से उसे हटा दिया गया। सच ये था कि सेक्युलरिज्म की अति ने बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं और उनके हक को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां खड़े होकर अपनी आस्था के लिए न्याय की गुहार लगाना सांप्रदायिकता बना दी गई। इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी वामपंथी इतिहासकारों ने और कठमुल्ले मौलानाओं ने। हमको पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड कैसे काम करता है, किसने बनवाया था, सबको पता है कैसे कांग्रेस के समय बना था वो, तो हमें देखा है पीछे से कौन ये देश में अराजकता फैलाना चाह रहा है। जब पूरे देश ने हिंदुओं ने इतनी सब्र से इतना बड़ा मामला, जो उनकी श्रद्धा का इतना बड़ा मामला है, पिछले 500 सालों से चल रहा है, उसको एक 5 जजों के हाथ में दे दिया और कहा कि आप डिसाइड करिए, और जब वो फैसला आ गया है और उसमें कॉम्प्रोमाइज भी है कि जितनी जमीन है 2.5 एकड़ करीब जमीन है, उसी दुगनी जमीन 5 एकड़ आपको कहीं और मिलेगी, ऐसा कोई आपने प्रॉपर्टी केस देखा है क्या? अगर देखें तो सत्ता के लिए सेक्युलरिज्म के छद्म छतरी को तानने वाले सियासतदानों और एजेंडा इतिहासकारों ने बहुसंख्यक आबादी को गुलाम बनाकर रखा। अपने आराध्य की जन्मभूमि को 500 सालों तक हासिल न कर पाना भी गुलामी का ही रिफ्लेक्शन था। मौलानाओं और वोट बैंक की राजनीति करने वालों को जहर की उल्टी इसलिए हो रही
क्योंकि गुलामी की अदृश्य फांस अब टूट चुकी है, अब बस गौरव के भाव हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ा घाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।